हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल को आपको स्वागत है। आज हम जानेंगे हाउ टू क्रिएट ए जीमेल अकाउंट, कैसे हम जीमेल अकाउंट एक क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये एक गूगल का है, तो मैं यूज कर रहा हूँ फायरफॉक्स। मैं ओपन कर रहा हूँ और सर्च एंड एंटर एड्रेस पर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और टाइप कर रहा हूँ क्रिएट ए जीमेल अकाउंट। ठीक है, अभी आ गया। देखिए यहाँ पर आप आएंगे तो क्रिएट ए जीमेल अकाउंट, जीमेल हेल्प आप क्लिक कीजिए। देखिए क्रिएट ए जीमेल अकाउंट, ये देखिए रेड कलर बॉक्स के अंदर यहाँ पर आ गया क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पर क्लिक कीजिए। कुछ टाइम लेगा, एक या दो सेकंड के लिए। यहाँ पर यूजर नेम टाइप कीजिए, आपका जो भी नाम है यहाँ पर टाइप कीजिए। मेरे नाम है रघुनाथ, मैं सिर्फ रघु ही टाइप कर रहा हूँ। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, हरे कृष्ण, ठीक है, अंकल, रूबी, महस्मिता, ठीक है, रूपाली, जो भी आपका नाम है, ठीक है, आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट नेम पर आप सर नेम दीजिए, मेरा नाम है दास, मैं दास दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिकली ले रहा है दास 26089। यहाँ पर देखिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन वो अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल का मतलब है वो यूजर अकाउंट, ये जो आप टाइप करें वो दूसरे कोई यूज नहीं किया होगा। ठीक है, यहाँ पर भी कोई सजेशन भी दे रहा है, आर दास 8804, दास रघु 97, दास आर 4484। ठीक है, मैं इसी में मैं चूज कर सकता हूँ। और मैं मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1986। ठीक है, मैं अभी चूज कर रहा हूँ, वो ले सकता है या नहीं ले सकता है। कोई भी दास 1986 कोई भी यूजर नेम अगर अवेलेबल नहीं होगा तो मुझे वो यूजर नेम नहीं मिल पाएगा। सबसे इजी तरीका है आप यहाँ से भी कुछ भी चूज कर लीजिए। अवेलेबल दास रघु 97 में चूज कर रहा हूँ, ये सबसे लिए इजी है। ठीक है, अगर आप कुछ रख सकते हैं दूसरा कोई तो आपके लिए अच्छा है। और पासवर्ड, पासवर्ड आप दे सकते हैं आपकी मर्जी, लेकिन आपको याद रखना ही चाहिए। ठीक है, अगर ये जो पासवर्ड आपने टाइप किया ये तो सभी स्टार मार्क होकर ये तो इनबिल्ट हो गया, तो हाइड हो गया, तो ये इस जो भी हम पासवर्ड यूज करते हैं उसको देखने के लिए यहाँ पर ये जो आई जो का लोगो है, ठीक है, आई के ऊपर क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं जो भी पासवर्ड में टाइप कर रहा हूँ वो ये शो कर लेगा। ठीक है, वही सेम टू सेम पासवर्ड ये जो कन्फर्म का बॉक्स है यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और सेम टू सेम टाइप कीजिए। अगर आप अपर केस टाइप कर रहे हैं कर वो टाइप कीजिए, अगर आप लोअर केस चूज करते हैं तो लोअर केस ही टाइप कीजिए, लेकिन सेम होना चाहिए। ठीक है, अपर केस आप पासवर्ड रखना चाहते हैं अपर केस रख लीजिए, और लोअर केस रखना चाहते हैं तो लोअर केस ये रख लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर पासवर्ड के अंदर, ठीक है, और अपर केस डाल देते हैं यहाँ पर कन्फर्म के अंदर और को अपर केस डाल देते हैं तो वो मैच नहीं होगा। जैसे ही ये लेटर लेटर जैसे ही हुए है अपर केस और लोअर केस ऐसे ही सेम टू हबहू सेम टू सेम आपको डालना है, चूज करना है। ऐसा नहीं कि आप अपर केस लोअर केस को मिक्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको पासवर्ड सभी को याद रखना होगा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप कहीं पर भी लिख लीजिए। ठीक है, मेरी जो आईडी मैंने क्रिएट किया था
ऑलरेडी एक पेन और पेपर पर लेकर ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कीजिए, एक या दो सेकंड ही लेगा। देखिए यहाँ पर फ़ोन नंबर पर आ रहा है, आप फ़ोन नंबर चूज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है आपकी मर्जी। रिकवरी ईमेल एड्रेस ये ब्लॉक करना है आपको, अगर आपके पास कोई ईमेल है प्रीवियसली आप यूज कर रहे हैं तो भी आप दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप रिकवरी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो दीजिए, ठीक है अगर आप यूज करते हैं। और डेट ऑफ बर्थ आपको भी चूज करना है, और जेंडर अगर आप मेल हैं और फीमेल हो, और अदर नट से और कंफर्म। अगर आप अदर नट से आप चूज करते हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मेल या फीमेल में यूज में क्या हो, ठीक है ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कस्टम चूज करते हैं तो व्हाट योर जेंडर क्वेश्चन आएगा, अरे आपको ये फीमेल मेल और अदर्स, ठीक है। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है तो आप मदर्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कस्टम पे आप चूज नहीं करके आप मेल या फीमेल ही चूज कीजिए, ठीक है आपके लिए अच्छा होगा। मैं मेल चूज कर रहा हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है ब्लू कलर बॉक्स के अंदर, एक बार नेक्स्ट क्लिक कीजिए। यहाँ पर कुछ प्राइवेसी एंड टर्म्स आ रहा है, यहाँ पर आई एग्री, ठीक है यहाँ पर चूज कीजिए। एक या दो सेकंड के लिए यहाँ पर ब्लिंक होगा तो आपको काम बन जाएगा। देखिए वेलकम रघु दास, ठीक है मेरा नाम है मैंने डाल दिया, ठीक है मेरा जो पर्सनल इन्फो जो भी मैंने डाला था मैं दे सकता हूँ। यहाँ पर देखिए अगस्त 23, 1986, ओके मैं डाल दिया। ये भी मेरा पासवर्ड है, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्म है। फ़ोन नंबर अगर आप अभी भी फ़ोन नंबर नहीं वहाँ पर प्रोवाइड किया होगा यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। डेट एंड पर्सनलाइजेशन, ठीक है ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप जो भी एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो डेट ऑफ क्रिएशन, ठीक है मेरा ये आज का है तो, ठीक है ये आज 2 तारीख है, यहाँ पर भी 2 अप्रैल 2019, ठीक है ये 2019 में मैंने बनाया है ये जीमेल अकाउंट को, आज के मैंने बनाया है अप्रैल मंथ में, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए, ये आपको हमेशा के लिए आपको याद रखना है, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप पेन एंड पेपर पर लिख लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके पास कोई रिकवरी आप अगर पासवर्ड रॉन्गली आप डायल कर देते हैं या रॉन्गली इनपुट कर देते हैं तो ये रिकवरी के लिए वो चला जाएगा, ठीक है। और फिर आपको डेट ऑफ क्रिएशन ही पूछेगा, ये हमें मेरा जो ईमेल है ये मैं 10 या 12 ईयर्स में अभी भी जीमेल यूज कर रहा हूँ, ठीक है ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस आपको बोल रहा हूँ। ये डेट ऑफ क्रिएशन, ठीक है आपको हमेशा के लिए याद रखना है, और डेट ऑफ बर्थ हमेशा के लिए, और यूजर नेम कभी कभी यूजर नेम पूछ लेता है, कभी कभी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता है, और कभी कभी डेट ऑफ क्रिएशन, ठीक है अप्रैल 2019 2 तारीख को याद रखना है कि मैंने एक जीमेल अकाउंट क्रिएट किया था, ये हमेशा के लिए पूछ लेता है कभी कभी। आप सही है, आप यूजर जो है ना सही है या गलत है जानने के लिए।
ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो गया, और इसको लॉग आउट कैसे करना है, ये जो मैंने जो आर का सबसे ऊपर ठीक है आर लोगो आ रहा है ठीक है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये देखिए आर अकाउंट और साइन आउट, ठीक है यहाँ पर मैं साइन आउट करूँगा तो ये लॉग आउट हो जाएगा ठीक है। यहाँ पर मैं इसको साइन आउट कर रहा हूँ, साइन आउट देखिए यहाँ पर साइन आउट हो गया ठीक है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आज हम जानेंगे जान लिया कैसे जीमेल अकाउंट ओपन करना है ठीक है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये मेरे चैनल जो है अगर अच्छा लगा या बुरा लगा आप लाइक कीजिए, और बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना तो बनता है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपके आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप मुझे SMS कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपके उसके ऊपर मैं भी वीडियो बना के आपको YouTube पर अपलोड कर दूंगा ठीक, सिर्फ आपके लिए ठीक है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर।